आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अवधपुरी पावर हाउस पार्क में वात्सल्य सेवा समिति ने देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर वात्सल्य सेवा समिति से जुड़े सदस्यों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। वात्सल्य सेवा समिति की ओर से अपना 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं। ये समिति द्वारा, वैसे तो हम सभी को मनाना चाहिए, लेकिन समिति द्वारा जो आज जो ध्वजारोपण किया है, इसका मैं सभी से, अपने सहपाठियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हमको अपने देश प्रेम में सभी को सहभागी बनना चाहिए। वात्सल्य सेवा समिति के तत्वाधान में आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और हमारे कलाकुंज जैन मंदिर की नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान हो रहा है और मैं अपनी ओर से और अपनी वात्सल्य सेवा समिति की ओर से इस गणतंत्र दिवस पर अपने शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और उन अमर सपूतों को नमन करते हुए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। और अंत में एक अपील करती हूँ कि 10 तारीख को जो शहर में मतदान होने जा रहा है, उसके लिए अपने वोट का उपयोग जरूर करें, जैसे भारत सुदृढ़ बने। और मैं कहूँगी कि पहले वोट दें, चूल्हा बाद में जलाएं। आज जो है स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की का जो बहुत ही सुंदर दिन है, आज़ादी का जो 75वां जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और उसी उसमें आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली दिन है और इसी उसके अंदर सब जो भी देश के प्रति जो समर्पित हैं और देश के प्रति युवा, मैं खासतौर से युवाओं से कहना चाहूँगी कि वो लोग आगे आएँ और देश की जो बागडोर है वो युवा लोग संभालें और जो भ्रष्टाचार है और इस तरह की चीज़ें हैं उनसे जो है सारा निजात मिले हमें। ये 73वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि हमारे जो है शहीदों ने इतना त्याग और बलिदान दे करके आज हमें ये गणतंत्र शासन प्रणाली मिली है, उसके प्रति हम लोग नमन करें, उनको याद करें और उनके जो है बताए हुए आदर्शों पर चलते हुए जो है देश को परम वैभव पर पहुँचाएँ।